दोस्त आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक नए जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक नई न्यूज। क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग प्रणाली, जी हाँ, क्लस्टर बेस्ड आउटसोर्सिंग सिस्टम की समीक्षा। यूनियन और एसोसिएशन ने विचारों को सुनने के लिए आज ऑनलाइन बैठक आयोजित की जाएगी। जी हाँ, 28/9/2021 को एक ऑनलाइन आयोजित बैठक की जा रही है, जिसमें क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग प्रणाली की समीक्षा के लिए यूनियन की विचार को सुनेंगे। वो ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है। आखिर इस मीटिंग में क्या होगी, पूरे जानकारी आपको डिटेल में देते हैं। बीएसएनएल मैनेजमेंट ने क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है। जी हाँ, इनके लिए एक समिति बनाई है। यह समिति यूनियनों और एसोसिएशन द्वारा बार बार की गई शिकायतों के बाद बनाई गई थी। यूनियनों और एसोसिएशन ने बार बार ये शिकायत की थी कि क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो गई है। बीएसएनएल ईयू ने पहले ही समिति के सदस्यों को एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया है और क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग प्रणाली को खत्म करने की मांग की है। इस संबंध में एक ऑनलाइन मीटिंग आज 3 बजे आयोजित की गई है। इस मीटिंग में प्रबंधन पक्ष की ओर से समिति के सदस्य यूनियनों और एसोसिएशन के विचार सुनेंगे। इस मीटिंग में साथी पी अभिमन्यु जनरल सेक्रेटरी भाग ले रहे हैं। तो जी हाँ, 28/9/2021 को जो मीटिंग हुई है, 3 बजे ऑनलाइन एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में आउटसोर्सिंग सिस्टम की समीक्षा की गई है और यूनियनों की बातें सुनी गई है। तो दोस्तों, इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या न्यूज आता है, अगले वीडियो में आपको हम ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।